हाउ टू ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना, अपने देखने वाले को ही देखना, जो देख रहा है, जो दृष्टा है उसी को देखना। कौन है यहां पर दृष्टा, कौन है यहां पर देख रहा है? आंखें तो देख रही है, फिजिकली तो हमें पता है। एक पेड़ आपने देखा, उस पेड़ को कौन देख रहा है? आपकी मेमोरी देख रही है उस पेड़ को, आपके विचार देख रहे हैं उस पेड़ को। अब तभी तो कहते हो वाह, आप माउंटेन देखते हो, पहाड़ देखते हो, आंखों से थोड़ा देख रहे हो। सिर्फ आंखें उसको प्रोसेस कर रही हैं और ब्रेन एक ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है, और वो तारीफ कर रहा है, या मतलब उसके बारे में कुछ कह रहा है, एक ओपिनियन बना रहा है, जिससे आपको एक एक रस आ रहा है, आपको लाइफ का मतलब पता लग रहा है। तो ऑब्जर्वर कौन है यहां पर? ऑब्जर्वर आपका थॉट है, आपका विचार है। आप ऑब्जर्वर आपका विचार है। अब इस विचार को भी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? कौन कह रहा है ये विचार भी विचार है? किसको पता है ये विचार भी विचार ही है? आपके एक और विचार को, यानी कि आपका विचार ही विचार को देख रहा है, और ये ऑलरेडी आप कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है। आपको लग रहा है दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन दोनों चीजें हैं एक ही। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये विचार है, और ये विचार ही विचार को ऑब्जर्व कर रहा है, थॉट ही थॉट को देख रहा है। हो गया, इसलिए तो कहा जाता है ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व। विचार ही विचार को देख रहा है। आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ये बनूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसको कौन देख रहा है? इसको आपका विचार ही देख रहा है। तभी तो इसको देखने के बाद आपके अंदर एक और आकांक्षा पैदा हो रही है कि मुझे और ये भी करना है, मुझे और ये भी करना है इस फील्ड में। तो विचार ही विचार को देख रहा है। इसमें सवाल ये नहीं कि कैसे। अगर मैं यहां पर कैसे को बोल दूंगा तो फिर एक शोर मच जाएगा, तो फिर आप उस शांति से थोड़ा सा भटक जाओगे, क्योंकि वो फिर एक और विचार दे देगा, तो आप इस विचार को नहीं देख पाओगे उस हिसाब से। कोई कैसे नहीं, जस्ट देखो, जरा देखो इस विचार को कौन देख रहा है, और विचार को देखने के बाद कौन प्रश्न कर रहा है, कौन कह रहा है ये मेरा विचार है, कौन कह रहा है मेरे अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, कौन कह रहा है मैं अशांत हूं, कौन कह रहा है मैं डर रहा हूं। आपका एक और विचार। तो क्या होता है इस विचार को, विचार ये ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्वर को जब देखता है, जब विचार और विचार एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होता है? देखो जरा, जब विचार विचार को देखता है तो होता क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप विचार के बारे में सोच रहे हो, नहीं, विचार भी सब बस सिर्फ विचार को देख रहा है, जज नहीं कर रहा, देख रहा है सिर्फ। आपको नहीं लगता जब विचार विचार को देखता है तो कैंसिल हो जाता है, वहां पर ब्लैंक छा जाता है? मैं आपको एक विचार दूं, मैं आपसे कहूं कि विचारों के परे देखो, विचारों के बाहर क्या है, मतलब विचार कहां से पैदा हो रहे हैं, ये जो थॉट है ये कहां से आ रहा है, ये पिक्चर कहां से बन रही है, देखो जरा। तो मैंने बोला आप विचार को देखो, और मैंने बोला आपको, मैंने आपको विचार ही दिया, तो विचार विचार को जब देख रहा है तो देखो एक ब्लैंक सा नहीं छा रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ अननोन सा। अगर आप शांति से देख रहे हैं तो हाँ, अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हैं, डाउट्स में हैं, तो फिर आप, आपके अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारे ऑब्जर्वर हैं, वो फिर पजल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत शांत हो एटलीस्ट। तो
जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को देखता है तो शांति आती है, पीस आता है, और फिर ये ड्वालिटी खत्म हो जाती है कि कोई देखने वाला है, फिर कोई कॉज अफेक्ट नहीं रहता। एक बड़ी चीज है, कोई कॉज अफेक्ट नहीं रहता, कोई प्रोसेसर नहीं रहता, आप एक ऑटोमेटिक मोड में होते हो, आप एक एफर्टलेस मोड में होते हो, और ये मोड माइंडलेस नहीं होता। ये मोड माइंडलेस नहीं होता क्योंकि आप, अगर आपने सही से देख लिया तो आप एनलाइटन हो चुके हो, अब आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, आपके अंदर ये चीजें बस चल रही हैं, कोई कोई चलाने वाला भी नहीं है, कोई कंफर्म करने वाला या इमिटेट करने वाला भी नहीं है, बस चीजें हो रही हैं, और वो होना ही अपने आप में एक एक पीस है, एक अपने आप में ही एक सत्य है, जहां पर आप कुछ पलट कर मुड़कर नहीं देख रहे हो, जहां पर आप लाइफ के साथ बस लाइफ हो, जैसे लाइफ अननोन है ना, आप भी अननोन है, आप भी आप जगे हुए हैं। मैंने बताया यहां पर एक बोध काम कर रहा है, बोध काम करना तब बंद कर देता है जब आप भरे होते हैं, यहां पर आपका दिमाग खाली हो रहा है, आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, बोध तब आता है जब आप कि ब्रेन ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से सरेंडर होते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर, जब ब्रेन की सारी हलचल खत्म हो जाती है, इंटेलिजेंस तब आती है। तो लास्ट में ज्वाइन करें मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, ये सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है 1000 रुपीज बस खाली, और ये सर्वाइवल फीस है मेरी, मैं इसकी प्राइस बढ़ाने वाला हूं, तो ये प्रोग्राम आपके साथ जिंदगी भर तक रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा ये प्रोग्राम आपके साथ। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल वीडियोस दे दी और प्रैक्टिकल दो चार दिन करवा दिए, नहीं, ये जिंदगी भर आपका हाथ थामे रखेगा ये प्रोग्राम। आपको डेली मेडिटेशन की वीडियो मिलती रहेगी, डेली ध्यान की वीडियो मिलती रहेगी, कभी कभार मिस हो जाता है, लेकिन ये प्रोग्राम आपके साथ जिंदगी भर तक रहेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।